हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो गार्डनिंग एक बहुत अच्छा शौक है और जब हम अपने स्वस्थ पौधों को देखते हैं तो हमारा दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। लेकिन कई दफ़े जब हमारे स्वस्थ पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं कुछ कारणों की वजह से, तो जो दिल है हमारा वो दुखी हो जाता है। तो इस समय मैं एक बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास में आ रही है जो मैं देख रही हूँ लगातार, वो ये पूछते हैं मुझसे कि हमारे यहाँ जो पौधे हैं उनमें बहुत सारे शंखी कीड़े हो रहे हैं। अब मैं देखती हूँ मेरे यहाँ शंखी कीड़े उन्हीं पौधों में होते हैं जो मैं नर्सरी से लेकर आती हूँ। अभी आप देख रहे हैं मैंने इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये ऑक्सालिस का था प्लांट और ये इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं। इसमें देखिए सिर्फ ये दिख रहे होंगे आपको और स्टिक्स सारी ख़त्म हो गई हैं। और उसका कारण, जो उसका मेन कारण है मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ होती है पॉटिंग सॉइल। यदि आपकी वेल ड्रेन हल्की पॉटिंग सॉइल है, साथ में आपने पॉटिंग सॉइल में नीम की खली मिला रखी है यदि, तो किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यदि पौधों में ज़रूरत से ज़्यादा नमी रहती है तब भी ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरे घर की पॉटिंग सॉइल जिनमें मैंने ये कटिंग्स लगा रखी हैं। अभी ये देखिए, ये बिल्कुल हल्की और लाइट वेट है, साथ ही ये वेलड्रेन पॉटिंग सॉइल है। और मैंने इसमें कुछ ये बारिश के सीज़न में कटिंग्स प्रोपगेट की थी बेबी टीयर्स की। ये देखिए पूरी लग के तैयार हैं, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। ये देखिए और इसमें कोई कीड़े नहीं है। थोड़े बहुत आपको दिख जाएंगे वो नमी से होते, लेकिन वो जैसे ही गर्मियों का मौसम होता है या मौसम खुल जाता है तो वो सारे कीड़े जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार के कीड़े इसमें मेरे इसमें थे तो मैंने जो ट्रीटमेंट किया मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि नर्सरी का पौधा था मुझे इसको रिपोर्ट नहीं करना था, अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। तो इसमें मैंने देखा था बहुत सारे शंखी कीड़े थे। अभी इसमें मैं बताती हूँ क्योंकि वो जो है ना, जैसे ही नमी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती थी तो वो निकल आते थे। यहाँ कहीं मैंने अभी रिसेंटली देखा था, हालांकि मिट्टी सख्त हो गई है देखिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है यदि आपके पास में नीम की खली है तो उसे आप घोल के डाल दीजिए। अभी देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, एकदम से कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो आप जब रेगुलर बेसिस पे, मैंने इसमें क्या किया था ये आप देख रहे हैं, ये प्याज के छिलके डले हुए हैं, ये मैंने प्याज के छिलके लाके इसमें डाल दिए थे और पानी डालना कम कर दिया था। जनरली नमी की वजह से होता है, यदि आपकी पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन नहीं है, पानी की निकासी सही नहीं हो रही है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। ये देखिए, ये मैं आपको उंगली की सहायता से दिखाती हूँ कि छोटा सा कीड़ा आपको दिख रहा होगा, ये क्या करते हैं, ये एक के बाद एक बहुत सारे हो जाते हैं, ये जड़ों में जाते हैं, फिर ये जड़ों को खा जाते हैं और हमारा स्वस्थ पौधा जो है वो मर जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आप एंटीफंगल जो है उसको पानी में घोल के डालिए, उसके बाद में आप जो है नीम की खली यदि आपके पास में उपलब्ध है तो उसे हर दूसरे दिन तीसरे दिन उसे आप घोल के डालिए। देखिए अभी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ये देखिए ये है और ये इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने इस पौधे को धूप में थोड़ा सा रख दिया था, मौसम खुला तो, और मैंने इसे पानी नहीं दिया था। देखिए इतनी नाजुक होती ये टूट गई इसकी, तो पानी देना बंद कर दिया था, साथ में मैंने इसमें प्याज के छिलके डाल दिए थे कि धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी ऐसा होता है तो बेस्ट है कि पहला मतलब हमेशा ही ऐसा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे बेस्ट है कि आप नीम की खली पॉटिंग सॉइल में मिलाइए, उससे आपके पौधों की जड़ें पुख्ता हो जाती हैं। दूसरी चीज़, जब कभी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे, हाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी चल रहे हैं यहाँ पर, मैंने देखा है यहाँ पीछे, दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। और ऐसा नहीं, ये सभी लोग फेस करते हैं, मैं आप अकेले नहीं फेस कर रहे, मैं भी कई बार ये फेस करती हूँ। देखिए ये दो दिख रहे हैं आपको और ये सभी जो हैं, सभी मैं भी फेस करती हूँ इस तरीके की प्रॉब्लम। तो इनसे निपटना जो है थोड़ा ही, देखिए एक निकाला, दो, तीन, कितने सारे हैं ये,
ये एकदम नहीं मरते। आप नीम का ऑयल, यदि आपके पास में खली नहीं है तो नीम का ऑयल आप डाल सकते हैं, उसको हर दूसरे तीसरे दिन पर डालिए। खली यदि आप डाल रहे हैं तो खली को आप कम से कम वीकली बेसिस पर डालिए, तो आपके पौधों को स्ट्रेंथ भी मिलेगी और ये इस तरीके के कीड़े जो हैं वो शने शने ख़त्म हो जाएंगे। और जब भी पौधे लगाएं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पॉटिंग सॉइल ऐसे बनाइए कि उसमें इस तरीके के कीड़े ना पड़ पे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।